हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका RRL एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उन लोगों के लिए जो DSSB का एक फॉर्म अप्लाई किए हैं और DSSB एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर वन, हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक का क्या कार्य है? ऑप्शन क, जोड़ों के घर्षण को कम करना। ऑप्शन ख, गतियों में सामंजस्य बैठाना। ऑप्शन ग, लीवर की तरह कार्य करना। ऑप्शन घ, जोड़ों के डिसलोकेशन को रोकना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घ, जोड़ों के डिसलोकेशन को रोकना होता है, ठीक है, लिगामेंट का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन क, सुक्रांत। ऑप्शन ख, अर्थ स्ट्रोफोन। ऑप्शन ग, हिपोक्रेटस। ऑप्शन घ, होमर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग, हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है क, टेनिस। ऑप्शन ख, वॉलीबॉल। ऑप्शन ग, सॉफ्टबॉल। ऑप्शन घ, बास्केटबॉल। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग, सॉफ्टबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वसा के पाचन में कौन मदद नहीं करता? नेक्स्ट एक इसका ऑप्शन होगा क, बाइल। ऑप्शन ख, एमाइलेज। ऑप्शन ग, गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑप्शन घ, लाइपेज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ख, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक है? ऑप्शन क, LDL की मात्रा बढ़ जाना। ऑप्शन ख, HDL का बढ़ जाना। ऑप्शन ग, LDL का घट जाना। ऑप्शन घ, HDL का घट जाना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क होगा, LDL की मात्रा बढ़ जाना। नेक्स्ट, निम्न से क्या विषम है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बिलियर्ड्स। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो घ, बिलियर्ड्स जो है विषम है, मतलब इन तीनों गेम से भिन्न है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? ऑप्शन क, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ऑप्शन ख, ओलंपिक स्टेडियम। ऑप्शन ग, बैड नेस्ट। ऑप्शन घ, पैनाथेनिक। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका क, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट, निम्न में से सीखने की सॉरी निम्न में से सीखने के नियम किसने दिए? ऑप्शन क, रूस के फिजियोलॉजिस्ट ने। नेक्स्ट, पेरू में मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट ऑप्शन, जर्मनी मनोवैज्ञानिक ने। घ ऑप्शन, कोहलर ने। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा ख, के मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत हेतु रसिया का पहला पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन क, थोर्न डाइक। ऑप्शन ख, वाटसन। ऑप्शन ग, पेवलो। ऑप्शन घ, कुफका। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग, पेवलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संधि की चोट नहीं है? निम्न में से कौन सी संधि की चोट नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन है क, डिसलोकेशन। ऑप्शन ख,
ब्रूसाइटिक्स, ग स्प्रेन, ऑप्शन घ स्ट्रेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घ स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? ऑप्शन क 1, ऑप्शन ख 2, ऑप्शन ग 3, ऑप्शन घ 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ख, 2 पंप होते हैं, 2 पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कितने सेकेंड के लिए आराम करता है? ऑप्शन क 0.1 सेकेंड, ऑप्शन ख 0.7 सेकेंड, ऑप्शन ग 0.4 सेकेंड, ऑप्शन घ 0.3 सेकेंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग 0.4 सेकेंड, हम जो हमारा हृदय है वो रेस्ट करता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में ताप स्पिन किसके कारण होती है? ऑप्शन क छोटा उछाल देना, ऑप्शन ख कम से कम बाल को सड़ करना, ऑप्शन ख रिबाउंड करके कोण को छोटा करना, ऑप्शन घ ऊंचा रिबाउंड देना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ग, रिबाउंड करके कोणों को छोटा करना। नेक्स्ट, टेनिस खेल में अगर बाल को कट या चोपटास मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन क बाउंस, ऑप्शन ख रीबाउंस, ऑप्शन ग स्पिन, ऑप्शन घ ड्रॉप। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घ ड्रॉप। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? ऑप्शन क 1950 नई दिल्ली, ऑप्शन ख 1956 मेलबर्न, ऑप्शन ग 1930 हैमिल्टन, ऑप्शन घ 1934 लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग 1930 हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और एशियन देशों के मध्य होने वाले विशेष खेलों को कहा जाता है? ऑप्शन क एशियन खेल, ऑप्शन ख राष्ट्रमंडल खेल, ऑप्शन ग एशियन कम अफ्रीकन खेल, ऑप्शन घ अफ्रो एशियन खेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घ अफ्रो एशियन खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूल के खेलों को कौन संचालित करता है? ऑप्शन क CBSE, ऑप्शन ख ऑल इंडिया बोर्ड, ऑप्शन ग SGFI, ऑप्शन घ NCERT। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग SGFI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एथेंस में ओलंपिक के आयोजन स्थल का मशाल परंपरा की शुरू की थी? यहाँ पर होना चाहिए परंपरा को शुरू की थी, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। चलिए तो इसका ऑप्शन होगा कुबर्टिन, ऑप्शन ख डिडान, ऑप्शन ग एल्डोल्फ हिटलर, ऑप्शन घ HC बग। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग एडोल्फ हिटलर। निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं साधारण रूप से नहीं कर सकते? ऑप्शन क फ्रैक्चर, ऑप्शन ख स्प्रेन, ऑप्शन ग गुम्बड, ऑप्शन घ एब्रेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क होगा, फ्रैक्चर को हम स्वयं साधारण विधि से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सीन को पहनते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन होगा स्पैन, ऑप्शन ख गुम्बड, ऑप्शन घ कट, ऑप्शन घ स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुम्बड। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है तो मैं समझूंगा कि जो मेरा वीडियो बनाना है वो सफल हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपको कितने क्वेश्चन नहीं पता था। तो दोस्तों प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट में लिखकर
कमेंट करिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था और कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए। तो जय हिंद।